न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चमोली भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 15 फरवरी को करीब 12 बजे गोचर हेलीपैड लैंड करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बीआरओ गेस्ट हाउस से मेला मैदान तक रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। गोचर मेला मैदान में आयोजित नंदा गौरव महोत्सव में प्रतिभाग विभिन्न विकास योजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके बाद करीब 2 बजे देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। कासगंज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। नगर के गांधी मूर्ति चौराहे पर वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड्स को जलाया। ग्रीटिंग कार्ड जलाकर नगर में भ्रमण किया। विरोध प्रदर्शन में जय श्री राम के नारे लगाए। कहा, वैलेंटाइन डे का बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हमेशा से विरोध करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। रेलवे स्टेशन के बाहर वैलेंटाइन डे के विरोध में जमकर नारेबाजी की। महोबा में चर्चित सार्फा व्यापारी लूट हत्याकांड के वांछित 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य बदमाश को वाहन चेकिंग के दौरान धर दबोचा। गोली लगने से बदमाश पिता और पुत्र घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इनके पास से लूट के आभूषण 25 लाख रुपए, नगद, तवंचे कारतूस, मोबाइल फोन बरामद हुए। इस मामले के 3 बदमाशों को 4 दिन पहले पुलिस पहली मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और 5 और बदमाशों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। महोबा में एक दूसरे से प्यार की कस्में खाने वाले प्रेमी जोड़े ने वैलेंटाइन डे के दिन ही मौत को गले लगा लिया। प्रेमी के इस दिन प्रेमी जोड़े ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे उनके परिवार में कोहराम मच गया। दोनों ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की। प्रेमी जोड़ा चचेरे भाई बहन है। वैलेंटाइन डे यानी मोहब्बत का दिन, और प्रेम के दिन महोबा के प्रेमी जोड़े ने मौत को गले लगा लिया। इस घटना के बाद से ही दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। मृतक प्रेमी जोड़ा रिश्ते में चचेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कनेरा गांव का ये पूरा मामला, जहां रहने वाला रामबाबू खंगार की 18 साल की बेटी सीमा का रिश्ता में चचेरे भाई 22 साल के सुरेंद्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सीमा राज के बालिका इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्रा थी, जबकि सुरेंद्र चरखारी के राजकीय महाविद्यालय में बीए का छात्र था। दोनों अपने घर से रोजाना विद्यालय जाने के लिए साथ जाते थे आते थे, और इस दौरान दोस्ती के बीच प्यार बना उठा। पारिवारिक रिश्ते होने के चलते परिवार के लोगों को उनके प्रेम के होने की भनक तक नहीं लगी, लेकिन दोनों आपस में साथ जीने और मरने की कस्में खा बैठे। दोनों के बीच पनपते प्यार को परिवार नहीं भांप पाया, और इस बीच जब तक परिवार के लोग कुछ जान पाते तब तक दोनों ने मौत को गले लगा लिया। दरअसल दोनों पारिवारिक चचेरे भाई बहन होने के चलते अपने प्रेम को विवाह के बंधन में नहीं बांध पा रहे थे, और इस अड़चन के चलते जीने मरने की कसम के बीच उनके वादे पूरे नहीं हुए। बताया जाता है कि सीमा ने अपनी ही छत पर सरफास की गोली खाकर जान दे दी, तो वहीं सुरेंद्र ने खेत में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कन्हैरा थाना चरखारी में एक लड़का एवं एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। दोनों ने अलग अलग जगह पर आत्महत्या की है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि प्रकरण प्रेम प्रसंग का है और दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। आगे की जांच कराई जा रही है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मौके पर कानून संबंधी कोई समस्या नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सहारनपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। सहारनपुर के शारदा नगर स्थित पुल से युवक अतुल शर्मा अपनी बाइक से गुजर रहा था कि तभी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक अतुल शर्मा घायल हो गया। युवक का जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक युवक न्यू शारदा नगर का निवासी था। युवक की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम है। अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई गोल्डी शर्मा ने बताया कि चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उसके भाई की मौत हुई है। उन्होंने चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही। सरकार लाख दावे कर ले, स्वास्थ्य विभाग को चुस्त दुरुस्त बनाने के, लेकिन जनपद में बैठे अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने से में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। खबर उन्नाव से, जहां पर आए दिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आया करती है। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी लापरवाही के वीडियो सामने आया करते हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ, जिसमें जिला अस्पताल जा रही प्रसूता अस्पताल ई रिक्शा से पहुंचती है, लेकिन स्ट्रेचर न मिल पाने की वजह से प्रसूता ने बच्चे का जन्म रिक्शा पर ही देना। आनंद फानन प्रसूता के तीमारदारों प्रसूता और जन्मे बच्चे को लेकर अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। वहीं पर प्रसूता के पति ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम अस्पताल पहुंच गए, स्ट्रेचर मांगते रहे, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध कराया और मेरी पत्नी रिक्शा पर ही बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद हम लोग आनंद फानन बच्चे और अपनी पत्नी को गोद में उठाकर अस्पताल में भागे। अगर बात जिला अस्पताल प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की जाए, तो अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। सभी ने चुप्पी साधी हुई है। पूर्व मंत्री के बेटे और पूर्व विधायक के बेटे को सजा मिली है। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा बसपा के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। दो तरफ से हुई फायरिंग में निर्दलीय प्रत्याशी की मौत हुई थी। पूर्व मंत्री का बेटा सहित समर्थक घायल हुआ था। 6 साल बाद न्यायालय के फैसले में 11 बरी हुई हैं। दो को सजा। पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के बेटे साकेत साहू को हत्या मामले आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा। पूर्व विधायक
अरिमर्दन सिंह के बेटे हिमांशुल को जानलेवा हमले में दोषी होने पर 10 साल की सजा है। अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। फैसले को लेकर भारी पुलिस बल सहित राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कचहरी परिसर का पूरा मामला। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पुलवामा हमले में शहीद महाराजगंज जनपद के रहने वाले पंकज त्रिपाठी के घर पहुंचकर उनके स्मारक पर फूल माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद के परिवार से मिलकर उनकी कुशलता पूछी। उसके बाद फरिंदा कस्बे के जयपुरी इंटर कॉलेज के खेल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल दिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान युवा पीढ़ी को एक मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से युवाओं को एक मंच मिल रहा है। इसी मंच के माध्यम से युवा जिले से लेकर देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 सीटें जीत रही है। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो धर्म का मामला हो, रोजगार या फिर देश की सुरक्षा का मामला हो। कानपुर के थाना नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई लूट का खुलासा करने वाली टीम को नौबस्ता थाना प्रभारी और उनके सहयोगी पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा सफल अनावरण करने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कानपुर पुलिस एडीसीपी साउथ की टीम ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से 7 मोबाइल समेत स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं लुटेरे राहत चलती बुजुर्ग महिला और बच्चों को लूट का शिकार बनाते थे। वहीं खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी साउथ ने 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। जी, दिनांक 6 फरवरी को एक महिला सेना अधिकारी के साथ मोबाइल चुनौती की घटना हुई थी, जिसमें कि लगातार थाना नौबस्ता और दक्षिण जोन की सर्विलांस टीम लगातार प्रयासरत थे उस घटना के खुलासे के लिए। इन दोनों टीमों को सफलता मिल गई है और इन्होंने एक गैंग का खुलासा किया है जो कि ये घटना कारित करते थे। इसमें दो लोग पकड़े गए हैं, अंकित और रोहित, जो कि बाइक पर ये घटना कारित करते थे। इसके अलावा जिस दुकानदार को वो ये मोबाइल बेचते थे, उस दुकानदार जिसका कि नाम अर्जुन निषाद है, उसकी मोबाइल शॉप है थाना गुजैनी में, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 7 मोबाइल। साजापुर जेल में वार्षिक सप्ताह भर चली खेलकूद प्रतियोगिता में सभी विजेता बंदियों और जेल कर्मियों को ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कार भेंट किए गए। इस अवसर पर भगवान शिव के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी समापन हुआ, जो कि पिछले 3 दिन से चल रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमोशन अधिकारी गौरव मिश्रा के द्वारा सभी महिला और पुरुष खिलाड़ी बंदियों को ट्रॉफी, मेडल और हाइजीन किट भेंट की गई। महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को भी चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, बिस्किट दिए गए। क्रिकेट की तिलक टीम को विजेता घोषित किया गया और टीम को ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया। बैडमिंटन में भी टीम तिलक ही विजेता रही, जिसे ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वॉलीबॉल की विजेता टीम अशफाक को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। शाहजहांपुर जेल में बंदियों और स्टाफ के बीच चल रहे साप्ताहिक खेलकूद समारोह का आज बसंत पंचमी के दिन समापन किया गया तथा सभी विजेता बंदियों और स्टाफ को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री गौरव मिश्रा के द्वारा सभी विजेता बंदियों और स्टाफ को पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही साथ आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कारागार में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।